हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबोर्ड। सो द सेशन इज रियली इम्पोर्टेंट। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 बैंकिंग एब्रीविएशंस। और आपको पता है कि बैंकिंग एब्रीविएशन जनरली एग्जाम में आती हैं। इनफैक्ट काफी सारे क्वेश्चन बैंकिंग एब्रीविएशन से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको एनसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे। उससे पहले, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। सो पहला क्वेश्चन है, किशोर प्रोडक्ट अंडर मुद्रा कवर्स लोन्स अबव 50,000 एंड अप टू 1 लाख। व्हाट डज यू इन मुद्रा स्टैंड्स फॉर? आपको पता है जो मुद्रा लोन होता है उसमें तीन प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, तो जो किशोर होता है वो कवर करता है 50 लाख से 1 लाख तक। तो आपको बताना है यू क्या होता है मुद्रा में। तो यू होता है यूनिट्स, ऑप्शन ए। एंड द करेक्ट आंसर इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, देख लो इसका फुल फॉर्म अच्छे से, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अगला देख, SDR refers to a type of monetary reserve created by IMF 1969 that operates as a supplement to the existing money reserves of member country. So SDR क्या है? ये एक type का monetary reserve currency है जो कि IMF ने create करा था 1969 में, जो कि operate करता है supplement की तरह existing money reserve of member country, जो भी IMF के member country है उनके लिए supplement की तरह वो ऑपरेट करता है। तो आपको बताना है आर क्या होता है एसडीआर में। तो आर होता है राइट्स, ठीक है, ऑप्शन बी। और इसका पूरा फुल फॉर्म देख लो, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक है, याद रखना है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर। RBI regulates the UPI. What does P stand for in UPI? RBI जो है Reserve Bank of India, वो UPI को regulate करता है। तो आपको बताना है P क्या होता है UPI में। Very easy question. So P is payment, option B. और UPI का full form है Unified Payment Interface. ठीक है, देख लो इसका अच्छे से। Next देखते हैं, the base year used for WPI prior to 2011-12 was 24-5. ठीक है, आपको पता है कि जो WPI है उसका बेस ईयर 2011-12 से पहले जो बेस ईयर था वो था 2004-5, ये बेस ईयर था। ठीक है, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन WPI? WPI में आई बताना क्या होता है। तो आई इज इंडेक्स एंड WPI इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये रही WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI, CPI ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अभी वो भी आएगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, BIC इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। BIC क्या है? ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो आपको बताना है कि C क्या है BIC में। ठीक है, व्हाट डज C रिप्रेजेंट? तो C इज कोड, ऑप्शन बी। और BIC का पूरा फुल फॉर्म है बैंक आइडेंटिफायर कोड। ठीक है, देख लो अच्छे से, बी फॉर बैंक, आई फॉर आइडेंटिफायर, सी फॉर कोड। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, आई का भी पूछ सकते हैं, बी का भी पूछ सकते हैं। तो पूरा फुल फॉर्म याद रखना अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अ लोन बिकम्स एन एनपीए व्हेन द इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ ओवर 90 डेज। तो कोई भी लोन एनपीए बन जाता है अगर इंटरेस्ट, प्रिंसिपल या फिर इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो जाता है, कब तक? 90 डेज तक के लिए। ठीक है, व्हाट डज ए रिप्रेजेंट एन एनपीए? वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ए होता है एसेट्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, इट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेक्स्ट देख, WMS स्कीम वॉज डिजाइन टू मीट टेम्पररी मिसमैचेस इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। WMS स्कीम को डिजाइन करा गया था ताकि वो टेम्पररी मिसमैचेस को मीट कर सके, ठीक कर सके, रिसिप्ट और पेमेंट में जो भी गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, तो M बताने आपको WMA में क्या होता है, वट डज M रिप्रेजेंट इन WMA? सो M इज मीन्स, ऑप्शन बी। ठीक है, और WMA का पूरा फुल फॉर्म देखें तो वो होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, NPCI एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। NPCI क्या है? पहली बात तो एक चीज और याद रखना कि इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल द रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जितने भी रिटेल पेमेंट सिस्टम है उसके लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, तो ये रेकग्नाइज के इसमें के अंडर है, किस एक्ट के अंदर है? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। तो आपको बताना है पी क्या है NPCI में। ठीक है, सो पी इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब ए। ठीक है, तो इसका पूरा फुल फॉर्म देख लो, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। NPCI का हेडक्वार्टर याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
What does S stands for in LS facility, which was recently made available for facilitating NEFT settlements on 24/7? S क्या represent करता है LS facility में, जो कि हाल ही में बनाई गई थी, available किस चीज के लिए? NEFT settlements के लिए, NEFT settlement को facilitate करने के लिए 24/7 basis पे, ठीक है? तो इसमें मुझे साथ में ये भी बताओ कि NEFT का full form क्या होता है, because again this is very important, ठीक है? तो देखो, सपोर्ट ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? एलएस होता है लिक्विडिटी सपोर्ट, और एनईएफटी की बात करें तो वो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, याद रखना ये भी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। दो आपके आते हैं, एक एनईएफटी एक आरटीजीएस। एनईएफटी तो ये होता है, आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है? आरटीजीएस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट देखो, आईपीओ रेफर्स टू एन ऑफरिंग ऑफ अ फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज और एन ऑफर फॉर सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बाय एन अनलिस्टेड कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम इन पब्लिक। अगर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है, उसको पहली बार इश्यू कराने हैं सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम पब्लिक में, तो उसको आईपीओ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आईपीओ, ठीक। तो आपको बताना है कि आई क्या होता है आईपीओ में, व्हाट डज आई रिप्रेजेंट्स इन आईपीओ, ठीक है? सो आईपीओ में आई होता है इनिशियल, ऑप्शन बी, सो दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है? देख लो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज आईपीओ। नेक्स्ट देखते हैं, शौर्य केजीसी कार्ड फॉर द आर्म फोर्सेज पर वॉज लॉन्च बाय एचडीएफसी बैंक। शौर्य केजीसी कार्ड करके है, विच इज फॉर आर्म फोर्सेज, वो लॉन्च करा है एचडीएफसी बैंक ने। तो आपको बताना है एफ क्या होता है एचडीएफसी में, अगेन इंपॉर्टेंट, एचडीएफसी, आईसीसीआई, इन सबके फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? सो एफ होता है इसमें फाइनेंस, ठीक है, ऑप्शन ई। HDFC का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देख लो पूरा फुल फॉर्म। एक्चुअली जब ये दो टर्म आते हैं ना, फाइनेंस और फाइनेंशियल, किसी भी आपके एब्रीविएशन के लिए, किसी भी आपके शॉर्ट फॉर्म में, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना, ठीक है? सो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। The Indian standard similar to SWIFT, SFMS is the abbreviation for which of the following? एक Indian standard है जो कि SWIFT की तरह ही है, SFMS करके, तो आपको उसका abbreviation बताने क्या है? So उसका abbreviation है option B, Structured Financial Messaging System. Again remember, not finance, it is financial. तो Structured Financial Messaging System, ये इसका abbreviation है। SWIFT का भी अपना एक abbreviation है, again important, क्योंकि ये भी exam में आता है, तो इससे related question आगे है जो आपको देखने को मिलेगा, so I'm not telling over here, ठीक है? Next देखते हैं, What does L in MCLR stand for? Very easy. MCLR में M क्या होता है? ठीक है? MCLR, let me tell you, MCLR मतलब वो होता है वो minimum rate जिसमें bank interest offer करते हैं, ठीक है? So MCLR में आपको L बताना है, so that is lending, ठीक है? So that is marginal cost of lending rate, ठीक? Next देखते हैं, ICICI Lombard recently acquired a stake in Bharti AXA. ICICI Lombard ने अभी हाल ही में stake acquire करे हैं Bharti AXA में, तो आपको बताना है I क्या, second I क्या refer करता है ICICI में। आपने देखें कि तीन I है ICICI में, तो आपको ये वाला I जो है ना, second वाला, ये बताना है, ठीक है? तो ये क्या represent करता है? तो it represents investment, ठीक है? Option D. So, इसका पूरा फुल फॉर्म देख लो, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो पहला आई है इंडस्ट्रियल, दूसरा आई है इन्वेस्टमेंट, और तीसरा आई है इंडिया, ठीक है? याद रखना, आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, सिंपल है, एफआईआई का फुल फॉर्म, ठीक है? व्हाट इज एफआईआई स्टैंड्स फॉर? बेसिकली एफआईआई में आपको एफ बताना है, आपको यहाँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, सो एफ क्या होता है? सो एफ इज ऑप्शन डी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है एफआईआई और एफडीआई, ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली ये टर्म्स जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हो ना, तो इनके डिफरेंस पे आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफआईआई, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, स्विफ्ट कोड कंसिस्ट ऑफ 8 और 11 कैरेक्टर। लो, आपका स्विफ्ट कोड आ गया, अब बताओ स्विफ्ट कोड का जो होता है, इसमें 8 या 11 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है? व्हाट डज आई रिप्रेजेंट इन स्विफ्ट? आई बताना है क्या रिप्रेजेंट करता है स्विफ्ट में, पूरा इनफाइ फुल फॉर्म बताओ क्या होता है। सो आई रिप्रेजेंट इंटर बैंक, ऑप्शन ई। इंटर और इंट्रा बैंक में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इंटर बैंक, इसका पूरा फुल फॉर्म देखो, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है?
ये इसका पूरा फुल फॉर्म है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसमें जनरली अगर एग्जाम की बात करूं तो एक तो आईसेट आ जाता है, फाइनेंस एफ का भी आ सकता है कि एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, और टी का भी आ सकता है कि टी क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका पूरा फुल फॉर्म याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट देखो, आरबीआई को फॉलो करते हुए एडाई ने भी अलाउ कर दिया इंश्योरेंस कंपनीज को कि वो वीडियो बेस्ड केवाईसी कर सकता है। ठीक है, टू यूज वीडियो बेस्ड केवाईसी, केवाईसी इज नो योर कस्टमर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी फुल फॉर्म आ जाता है केवाईसी इज नो योर कस्टमर। तो आपको ए बताना है एडाई में ए क्या होता है। लेट मी टेल यू, एडाई जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अ रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए क्या है, तो ए इज अथॉरिटी, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज द फुल फॉर्म फॉर एडाई। और इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज एल एंड कैमल्स आर रेटिंग सिस्टम यूज बाय रेगुलेटरी बैंकिंग अथॉरिटीज स्टैंड फॉर। ठीक है, एल क्या है, कैमल में जो कैमल क्या है, ये एक रेटिंग सिस्टम है जो कि रेगुलेटरी बैंकिंग अथॉरिटी यूज करती है। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको व्हाट इज एल, तो एल इज लिक्विडिटी, ऑप्शन बी। ठीक है, कैमल का पूरा फुल फॉर्म देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इज कैपिटल एडिक्वेसी, ए इज एसेट क्वालिटी, एम फॉर मैनेजमेंट, एल फॉर लिक्विडिटी एंड एस फॉर सेंसिटिविटी। ठीक है, याद रखना है, ये अच्छे से देख लो इसका पूरा फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, एफ सी एन आर अकाउंट्स अलाउज ओनली टर्म डिपॉजिट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफ सी एन आर। एफ सी एन आर अकाउंट जो होते हैं वो सिर्फ टर्म डिपॉजिट्स को अलाउ करते हैं, यानी कि फॉरेन फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरेंट डिपॉजिट, सिर्फ एफ डी और आर डी, यही तो आपके टर्म डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये आपके डिमांड डिपॉजिट में आते हैं। तो आपको फुल फॉर्म बताना है एफ सी एन आर का, ये आपका नॉन रेजिडेंट अकाउंट है। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको हिंट भी दे दिया, तो ये है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ऑप्शन बी। ये जितने भी आपके नॉन रेजिडेंट अकाउंट है ना, इनके फुल फॉर्म और इनके बारे में जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एटीएम विच आर सेटअप एंड ओन बाय अ नॉन बैंक एंटिटी इज कॉल्ड डब्ल्यूएलए। एटीएम जो कि नॉन बैंक एंटिटी सेटअप करती है, उसको ओन करती है, उसको हम डब्ल्यूएलए बोलते हैं। तो आपको एल बताने डब्ल्यूएलए में, डब्ल्यूएलए में ए क्या होता है बेसिकली, सॉरी एल क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो एल होता है लेबल, ऑप्शन सी, और डब्ल्यूएलए का पूरा फुल फॉर्म है व्हाइट लेबल एटीएम। ठीक है, these are called white label ATM which are set up and owned by a non bank entity. अगला देखो, APR can be fixed or variable type. APR जो चीज है वो fixed भी हो सकती है और variable भी हो सकती है. Fixed APR में क्या होता है कि जो interest rate होता है वो same होता है throughout the term of the loan or mortgage. जो आपका interest rate होगा वो same होगा throughout the term of loan, loan के पूरे term और mortgage के पूरे term में. और variable APR में क्या होता है कि जो interest rate होता है वो change होता है without any notice based on other factors like prime rate. ठीक है, तो वो without notice आपका change होता है जो कि other फैक्टर पे डिपेंड करता है, विच आर लाइक प्राइम रेट। तो आपको बताना है ए क्या है एपीआर में, व्हाट इज ए, व्हाट डज ए रिप्रेजेंट्स इन एपीआर, अगेन एन इंपॉर्टेंट वन। सो ए इज एनुअल, ऑप्शन ए। सो एपीआर इज एनुअल परसेंटेज रेट, देख लो अच्छे से, एपीआर होता है एनुअल परसेंटेज रेट। ठीक, अगला देखते हैं, CDR is the ratio of how much a bank lends out of the deposit it has mobilized. तो CDR क्या है कि जितना deposit bank ने mobilize करा हुआ है, उस deposit में से bank कितना lend कर रही है, उस ratio को हम CDR बोलते हैं। तो आपको CDR का abbreviation बताना है, तो CDR होता है credit deposit ratio। ठीक है, option D is CDR, credit deposit ratio। Next देखते हैं, BOP is the record of all international financial transaction made by a country's resident. जो भी country के resident होते हैं, वो जितने भी international financial transaction करते हैं, उस सबका record होता है, उसको हम BOP कहते हैं। ठीक है, तो P बताना है BOP में क्या है, What does P refers to in BOP? ठीक है, So BOP is nothing but balance of payment. Option D is the correct answer. BOP is balance of payment. ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डीआईसीजीसी इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड गारंटीइंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज टू द कस्टमर ऑफ बैंक. जो भी बैंक के कस्टमर होते हैं उनको बेसिकली वो डिपॉजिट पे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, तो मतलब वो है डीआईसीजीसी. तो आपको एब्रीविएशन बताना है डीआईसीजीसी का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो डीआईसीजीसी इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज डीआईसीजीसी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है. अगला देखो, एमएसएस इज अ मॉनिटरी पॉलिसी, अगेन इंपॉर्टेंट. एमएसएस इज अ मॉनिटरी पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द आरबीआई टू विदड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द इकोनॉमी. सो एमएसएस क्या है, ये बेसिकली एक मॉनिटरी पॉलिसी का बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आरबीआई यूज करती है, जिसमें एक्सेस लिक्विडिटी जो होती है उसको वो विदड्रॉ करती है. कैसे? बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच के, ठीक है. तो आपको बताना है कि एमएसएस का फुल फॉर्म क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो एमएसएस इज ऑप्शन बी, मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम. सॉरी, ऑप्शन ई नॉट बी, मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम इज एमएसएस, ठीक है. देख लो अच्छे से, मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम बेसिकली वो मार्केट को स्टेबिलाइज कर रही है एक्सेस लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में बेसिकली, ठीक है. सो ऑप्शन ई. LAF is a monetary policy tool which allows bank to borrow money through repurchase agreement. LAF क्या है? ये एक monetary policy tool है जो कि bank को allow करता है, जिसमें वो money को borrow कर सकते हैं repurchase agreement से, through repurchase agreements. L क्या represent करता है LAF में? Again a very important question. So LAF is nothing but liquidity adjustment facility. Option A. ठीक है? Liquidity adjustment facility is LAF. ठीक है, इसमें दो आपके आ जाते हैं, एक होता है आपका रेपो रेट और एक आता है आपका रिवर्स रेपो रेट. नेक्स्ट देखते हैं, आईबीआरडी इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स लोन टू मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज. आईबीआरडी क्या है? ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन ऑफर करता है मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को. आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक की आर्म है, याद रखना, इट इज एन आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक. तो आर बताना है आईबीआरडी में क्या होता है. सो आर इज रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज आईबीआरडी. फिर से बता रही हूँ, इट इज एन आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है. नेक्स्ट देखो, FRBMA is used to institutionalize financial discipline, reduce India's fiscal deficit, improve macroeconomic management and the overall management of the public funds by moving towards a balanced budget and strengthen physical prudence. What is the abbreviation of FRBMA? ठीक है, FRBMA क्या है? ये यूज करा जाता है institute किस चीज के लिए, you can see, ठीक है, for all these things it's been used, ठीक है. किस तरीके से? बाय मूविंग टुवर्ड्स बैलेंस बजट, बैलेंस बजट के टुवर्ड्स मूव करने से एंड स्ट्रेंथन फिस्कल प्रूडेंस, ठीक है. तो आपको बताना है इसका फुल फॉर्म. सो इट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन डी, दैट इज FRBMA, ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, IFSC इज अ 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड. IFSC क्या है? ये एक 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है, मतलब जिसमें अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, जो कि एक बैंक की ब्रांच, बैंक को और उसकी एक रिस्पेक्टिव ब्रांच को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है. तो आपको बताना है F क्या होता है IFSC में, what does F represents in IFSC, ठीक है. सो IFSC इज ऑप्शन ए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. याद रखना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को, नॉट इंटरनेशनल, ठीक है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट देखते हैं, फिनो पेमेंट बैंक इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई. आपको पता है फिनो पेमेंट बैंक करके एक पेमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में. आई बताना है फिनो में क्या होता है, ठीक है. सो आई इज इंक्लूजन, ऑप्शन डी, ठीक है. फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क ऑपरेशंस, आपको पता होगा कि फिनो ये जो पेमेंट बैंक थे ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही आए थे, ठीक है. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क ऑपरेशंस इज द डेफिनेशन फॉर फिनो, ठीक है. नेक्स्ट देखो, ALM इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द यूज ऑफ एसेट्स एंड कैश फ्लोज टू रिड्यूस द फर्म्स रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम नॉट पेइंग अ लायबिलिटी ऑन टाइम.
ALM क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें मैनेज होता है जो एसेट का यूज है या कैश फ्लो का है, वो सब कुछ मैनेज होता है। जिससे क्या होता है, जिससे रिड्यूस करते हैं जो भी फर्म का रिस्क होता है लॉस का, जो कि वो लायबिलिटी को टाइम पे नहीं करते, फ्रॉम नॉट पेइंग अ लायबिलिटी ऑन टाइम। तो व्हाट डज एम रेफर्स टू इन ALM? ALM में एम क्या होता है? तो एम इज मैनेजमेंट, ऑप्शन बी। इसका करेक्ट फुल फॉर्म है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। इसका प्रॉपर फुल फॉर्म ये है, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है? क्योंकि लाइबिलिटी के लिए लेकर है ना, तो इससे याद रखना लाइबिलिटी, ठीक। और जो भी आपके यूज ऑफ एसेट हैं, कैश फ्लोज हैं, तो उससे आप इसका डेफिनेशन फुल फॉर्म याद रख सकते हो, ठीक है। सीपी क्या है? सीपी एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीपी एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक अनसिक्योर प्रॉमिसरी नोट है, ये चीज याद रखना, ये एज इट इज क्वेश्चन में आ जाती है। विद अ फिक्स मेच्योरिटी पीरियड, जिसका फिक्स मेच्योरिटी पीरियड 364 डेज से ज्यादा नहीं है, तो आपको बताना है सी क्या है सीपी में। तो सीपी इज नथिंग बट कमर्शियल पेपर, ऑप्शन ए, ठीक है, कमर्शियल पेपर। अ सी ए डी इम्प्लाइज दैट फाइनेंशियल आउटफ्लोज एक्सीड इनफ्लोज। बेसिकली सी ए डी क्या होता है कि जो हमारे जो एक्सपोर्ट होता है वो इम्पोर्ट से ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट का नंबर जो है वो इम्पोर्ट से ज्यादा है, तो तब उसको हम बोलते हैं सी ए डी। तो आपको डी बताना है सी ए डी में क्या होता है। तो सी ए डी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सी ए डी इज करंट अकाउंट डेफिसिट। डी मतलब ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फाइव डेफिसिट। पूरा फुल फॉर्म देखो, करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी, दोनों चीजों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट देखो, CRR इज द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट बैंक हैव टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट ऑल टाइम। CRR वो अमाउंट होता है, मतलब वो फंड होते हैं जो बैंक को हमेशा मेंटेन करने पड़ता है आरबीआई के साथ, ठीक है। व्हाट डज सेकेंड आर रिप्रेजेंट्स इन CRR, ठीक है, सेकेंड आर पूछा गया है, ठीक है, मतलब दिस वन। तो CRR इज कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, सो सॉरी, ऑप्शन डी रेशियो। तो इसका करेक्ट फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगेन एन इंपॉर्टेंट टर्म, CRR, SLR, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन लिबोर, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट, लिबोर मिबोर ये आपने देखे होंगे और ये बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में डायरेक्टली कि आई क्या रिप्रेजेंट करता है लिबोर में, एल क्या होता है, आर क्या होता है, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। सो आई इज इंटर बैंक, सो लिबोर क्या होता है, लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है, एल मतलब लंडन, लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, और मिबोर इज मुंबई, ठीक है, मिबोर मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, CTS इज अ चेक क्लियरिंग सिस्टम अंडरटेकन बाय RBI फॉर क्विकर चेक क्लियरेंस। जल्दी क्विकर चेक क्लियरेंस के लिए CTS करके एक चेक क्लियरिंग सिस्टम यूज करा जाता है जो कि RBI ने करा था, ठीक है। व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ CTS? आपको CTS की पूरी एब्रीविएशन बतानी है, फुल फॉर्म बतानी है क्या है। तो CTS इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ऑप्शन बी, चेक ट्रंकेशन सिस्टम इज CTS, ठीक है, अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, याद रखना ये क्या है। आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा चेक क्लियरिंग सिस्टम है, तो यू शुड नो दैट इट इज CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। नेक्स्ट देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज मेंशन्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ABC टू डिजिटली स्टोर द एकेडमिक क्रेडिट्स और मार्क्स एंड ग्रेड्स अर्न। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसने मेंशन करा है कि वो एस्टेब्लिश करेगी एक ABC को जो कि डिजिटली स्टोर करेगी एकेडमिक क्रेडिट, मार्क्स और ग्रेड जो भी अर्न करे हैं उनको वो डिजिटली स्टोर करेगी। तो आपको बताना है बी क्या है ABC में, व्हाट डज बी रिप्रेजेंट इन ABC। सो बी इज बैंक, ठीक है, सो इट इज अकेडमिक बैंक क्रेडिट, ये होगा आपका अकेडमिक बैंक क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एन MICR कोड इज अ 9-digit कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द बैंक एंड ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन एन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में जो भी बैंक और ब्रांच पार्टिसिपेट कर रही है उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक कोड विच इज MICR, और याद रखना इट इज 9-digit कोड। ये सब याद रखना कि स्विफ्ट कितना होता है, कितने डिजिट का, कौन सा अल्फा न्यूमेरिक होता है, अभी हमने IFSC पढ़ा था 11-digit अल्फा न्यूमेरिक कोड, ये सब याद रखना। MICR 9-digit कोड होता है, तो आपको बताना है सी क्या होता है MICR में, ठीक है, सो सी इज कैरेक्टर, ऑप्शन सी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इन सबके फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, स्विफ्ट, IFSC एंड MICR, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट देखो, एनबीएफसी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर वेरियस बैंकिंग सर्विसेज बट डू नॉट हैव अ बैंकिंग लाइसेंस। एनबीएफसी क्या है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं बट इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। ठीक है, सो यू वॉन्ट यू कांट कॉल देम एग्जैक्टली अ बैंक। ठीक है, वट डज एफ रिप्रेजेंट इन एनबीएफसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछ लिया जाता है। तो एनबीएफसी इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगेन फाइनेंस और फाइनेंशियल का ध्यान रखना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एनएफएस इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन इन इंडिया। एनएफएस क्या है? ये एक लार्जेस्ट नेटवर्क है शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम्स का, जितने भी एटीएम है इंडिया में, उनका एक शेयर्ड नेटवर्क है, लार्जेस्ट नेटवर्क है। तो एस बताना है आपको क्या होता है एनएफएस में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एस इज स्विच, ऑप्शन डी। ठीक है, एनएफएस इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ठीक है, सो दैट इज एनएफएस। नेक्स्ट देखो, ईसीबी आर लोन्स मेड बाय नॉन रेजिडेंट लेंडर इन फॉरेन करेंसी टू इंडियन बोरोवर्स। तो ईसीबी क्या है कि जो नॉन रेजिडेंट लेंडर होते हैं वो लोन देते हैं इन फॉरेन करेंसी में, किसको? इंडियन बोरोवर्स को। ठीक है, तो आपको बताना है सी क्या होता है ईसीबी में। अगेन समथिंग इंपॉर्टेंट टर्म। तो ईसीबी इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ईसीबी होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज एफ इन एएमएफएल। एएमएफएल में एफ क्या होता है? सो एफ इज फंड। ठीक है, एमएफएल इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट टर्म, जब मैंने एफआईआई बताया था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक और टर्म आता है आपका एफडीआई। एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ कंट्रोलिंग ओनरशिप इन अ बिजनेस इन वन कंट्री बाय एन एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री। सो व्हाट डज डी स्टैंड्स फॉर इन एफडीआई। ठीक है, ये तो एक टिपिकल डेफिनेशन हो गई। नाउ लेट मी टेल यू इजिली, आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अमेजोन का। ठीक है, एफडीआई इन इंडिया, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं अमेजोन का, तो अमेजोन कहाँ पर है? अमेजोन आपका यूएस में है। ठीक है, अमेजोन का हेडक्वार्टर है सिएटल, विच इज इन यूएस। तो अमेजोन जो है वो वहां पे उसका अपना एक बिजनेस है। ठीक है, उस कंट्री में। ठीक, तो उसने यहाँ पे इंडिया में एक अपनी एंटिटी लगा ली है, विच इज अमेजोन इंडिया करके। ठीक है, तो वो इसने अपना इंडिया में भी लगा लिया है, तो दैट इज कॉल्ड एफडीआई, कि उसने दूसरे कंट्री में अपनी एंटिटी एक सेटअप कर दी। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो डी होता है डायरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक और होता है एफपीआई, विच इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट, राइट नाउ आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट। ठीक है, तो एक एफपीआई करके भी टर्म होता है। ठीक, तो ये तीनों टर्म इंपॉर्टेंट है, एंड एफडीआई और एफआईआई का तो जो डिफरेंस है वो इंटरव्यूज में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, अब कुछ ऐसे टर्म्स आप देख लो, ये जैसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए जिनकी डेफिनेशन एज इट इज आ जाती है। जैसे कोई भी आपको इनसे रिलेटेड कोई भी आपको इस तरीके से दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स दे देंगे, और आपसे फिर इनका डेफिनेशन पूछ लेंगे कि डी क्या होता है एडीबी में, या ए क्या होता है एआईआईबी में। सीपीआई मैंने बताया था एक, तो पहले हम सीपीआई देख लेते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अब ये देखो, एक है मीगा, दिस इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, दिस इज मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, देख लो अच्छे से। IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है IMF का। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। AIIB इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, नाबार्ड। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। और ADB का है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, विच इज इन फिलीपींस। ठीक है, तो ये सब देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपसे एग्जाम में ऐसे ही आ जाएंगे, ये करंट अफेयर्स पोर्शन में आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉप 50 बैंकिंग एब्रीविएशंस। यहाँ मैंने सारे वो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस आपके कवर अप करे हैं जो एग्जाम में बैक टू बैक पूछे जाते हैं।
करते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें बैंकिंग टर्म्स भी आगे आपके लिए लेकर आएंगे, एंड वी विल कम अप विद मेनी सेशंस विच आर रिलेटेड टू योर मेंस, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम, क्योंकि अभी आपके करंटली काफी सारे मेंस एग्जाम लाइंड अप हैं। सो लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड आप फ्री ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टॉप पे पड़ा हुआ है, प्लस उसका लिंक कॉमेंट में भी पिन है, फ्री ई बुक डाउनलोड करने के लिए, प्लस फ्री मॉक टेस्ट लेने के लिए भी। सो यू कैन जस्ट गो एंड टेक mock test and download ebook whichever you want or whichever section you want.